और राजस्थान से इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 के भवानी सिंह की यह खबर है कि कल यानी रविवार को गहलोत कैबिनेट का पुनर्गठन हो सकता है, जिसको लेकर इस वक्त जयपुर में राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ बैठक चल रही है। इससे पहले अशोक गहलोत ने गोविंद सिंह डोटासरा, रघु शर्मा और हरीश चौधरी का मंत्री पद से इस्तीफा मंजूर कर लिया है। बड़ी बैठक यहां पर राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच चल रही है। तीन मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था, जिसे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूर कर लिया है। तारीख और वक्त जो है वो तय कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि कल गहलोत मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल यहां पर हो सकता है, पुनर्गठन यहां पर हो सकता है। नए चेहरे इस मंत्रिमंडल में कौन कौन होंगे, इसको लेकर अभी अटकलें लगाई जा रही हैं। जो सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का एक सिद्धांत है कि हमारी कांग्रेस पार्टी में एक पद एक सिद्धांत है, हमने उसकी पालना करते हुए माननीय सोनिया गांधी जी को इस्तीफे दे दिए और संगठन के माध्यम से हम जो हमारी सरकार है राजस्थान की, उसकी योजनाओं को लाभ लोगों तक पहुंचे, योजनाओं का प्रचार प्रसार हो, गांव-गांव में ढाणी ढाणी में कार्यकर्ता जाकर के कैसे उनको लाभ इन योजनाओं का सरकार की मिले, कैसे गुड गवर्नेंस हो और कैसे मोदी सरकार की विफलताएं, जो चाहे नोटबंदी वाली हो, चाहे कृषि कानून की हो, चाहे बढ़ती महंगाई हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार नहीं देने की बात हो, ये सारी की सारी चीजें हम लोग संगठन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों को बताएंगे। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं। मेरे सहयोगी भवानी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। भवानी, तारीख वक्त तय कर दिया गया है कि कल मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अब जो मंत्रिमंडल में नए चेहरे सामने आएंगे, इनका जो चुनाव होगा उसमें कौन कौन से फैक्टर प्रभावी होंगे? सचिन पायलट का गुट, दलित समीकरण, कौन कौन से आपको संभावनाएं नजर आ रही हैं? देखिए रवि, तारीख के साथ में समय भी तय हो गया। कल शाम को 4 बजे सब कुछ ठीक रहा तो अशोक गहलोत के नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। राजभवन में तैयारियां इस वक्त चल रही है। शाम को राज्यपाल कलराज मिश्र जयपुर पहुंच जाएंगे और माना जा रहा है कि शाम को 5 बजे जब मंत्रिपरिषद की मीटिंग होगी तब सभी मंत्रियों से औपचारिक रूप से इस्तीफे ले लिए जाएंगे। और केवल ये 3 मंत्री नहीं, अभी जब तक की जानकारी उसके मुताबिक सभी मंत्रियों के इस्तीफे लेकर शाम को राज्यपाल को हैंडओवर कर सकते हैं अशोक गहलोत। तो कल नया मंत्रिमंडल यानी कि सारे नए मंत्री बन सकते हैं, इसकी तैयारियाँ चल रही है। अभी अजय माकन की और अशोक गहलोत की मीटिंग चल रही है, लगातार लंबे समय से मैराथन मीटिंग चल रही है। जो पेच एक छोटा सा फंसा हुआ वो इस बात को लेकर है कि 4 मंत्री लगभग सचिन पायलट के तय माने जा रहे हैं नए फेरबदल में, लेकिन वो कम से कम छः मंत्री जाते हैं और इस वक्त 12 सीट अगर जो टोटल अगर जिनको हटाया जा रहा है, 3 हटाए गए और उसके बाद में अगर 2 से 3 और ड्रॉप करने की बात हो रही है कि नए के अंदर, तो भी तकरीबन 15 सीट चाहते हैं कि खाली हो, 15 नए मंत्री बने जिसमें सचिन पायलट चाहते हैं कि आधी उनकी भागीदारी हो। ठीक है, आप नजर बनाए रखें भवानी, आपके पास हम दोबारा लौटेंगे और अपडेट लेंगे। वहीं इस्तीफों के बयार के बीच राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि मुख्यमंत्री जो भी फैसला करेंगे वो उन्हें मंजूर होगा। हमारे साथ है भंवर सिंह भाटी, उच्च शिक्षा मंत्री। भाटी साहब, मंत्रिमंडल का फेरबदल हो रहा है, आपकी क्या सूचना है, आप रहेंगे नहीं रहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के रूप में हमने लगातार काम किया, पार्टी ने टिकट दिया, विधायक बने 2013 में, 2018 में फिर से मौका दिया, दोबारा विधायक बने और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने हमें, हमारे पार्टी के नेतृत्व ने मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में मंत्री के पद के रूप में काम करने का मौका दिया है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि पार्टी का जो भी निर्णय होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा जी का, हमारे प्रभारी महोदय का, वो जो भी निर्णय करेंगे, जिस किसी भी विधायक को, जिस किसी भी मंत्री को जो जिम्मेदारी देंगे, उस जिम्मेदारी से कोई भी कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेगा। राहुल जी के नेतृत्व में, अशोक गहलोत जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं, आने वाले समय में भी काम करेंगे। आज शाम को मंत्रिपरिषद की मीटिंग हो रही है, क्या मुख्यमंत्री ने इस्तीफे मांगे मंत्रियों से? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। मंत्रिमंडल की बैठक है, उसमें सामान्य तौर पर हमेशा होती रहती है और उस मीटिंग में हम सब लोग जाएंगे और वहाँ मुख्यमंत्री जी हमारे पार्टी के, यहाँ के सदन के नेता हैं
और उनके नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं। हमारे प्रभारी महोदय भी पधारे हुए, तो जो भी निर्णय पार्टी का होगा वो सिरोधार्य होगा। गहलोत मंत्रिमंडल में पुनर्गठन की अटकलों पर राजस्थान सरकार के मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों का क्या कहना है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। कांग्रेस विधायक राकेश पारिक सचिन पायलट के समर्थक भी माने जाते हैं। राकेश जी, अब तो मंत्रिमंडल फेरबदल की आखिरी घड़ियां चल रही है, क्या सूचना मिल रही है कि आप भी, क्या आपका भी नाम है? देखिए, पार्टी हाईकमान आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, अजय माकन साहब, गहलोत साहब और पायलट साहब जो चाहेंगे जिसको बना देंगे मंत्री, कोई सारे विधायक तो मंत्री बन नहीं सकते। आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट लंबे समय से काम करते आ रहे हैं कि उन लोगों को मौका मिलना चाहिए जिन्होंने पार्टी के लिए संघर्ष किया? मिलेगा मौका, जो पायलट साहब ने मांग रखी उस पर काम होगा। आपकी ओर से काफी सीनियर नेताओं को मौका मिलेगा, किनको मौका देंगे? देखिए, ये तो हाईकमान ही जाने, इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो होगा जो अच्छा होगा। इससे के बाद में सचिन पायलट का क्या कद बढ़ेगा? अब वो देखो, हाईकमान बढ़ाएगी कद तो अब हमारे हाथ में थोड़ी कद बढ़ाना, लेकिन हम पायलट साहब के साथ हैं। आप किस रूप में देखते हैं, क्या जो भी होगा जो ठीक होगा? क्या सचिन पायलट को मंत्रिमंडल में आना चाहिए, डिप्टी सीएम बनना चाहिए? देखिए, इस बारे में मैं तो कार्यकर्ता हूँ, मैं बड़े नेताओं के बारे में क्या बोल सकता हूँ, लेकिन मैं पायलट साहब के साथ हूँ। पार्टी के प्रभारी, माननीय मुख्यमंत्री, सभी मिलकर के पुनर्गठन या विस्तार जो भी करेंगे वो कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता से लेकर विधायक और मंत्री सबको मंजूर भी होगा। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की जब सरकार बनी राजस्थान में, तो हमने राजस्थान की जनता से जो मैंडेट जो हमें मिला, जो हमने राजस्थान के लोगों को जो विश्वास दिलाया, उस विश्वास पर खरा उतरना हम सब की जिम्मेदारी है।